राजनीति में जनता कब किसको पटकनी दे दे कोई नहीं जानता। अगर कोई भी दल जनता पर अपना अधिकार समझती है तो इससे बड़ी गलतफहमी कोई और नहीं हो सकती। आज की जनता काफी जागरूक हो गई है। जनता हर पार्टी को पहले अपने तराजू में तौलती है, उसके बाद ही उसके पक्ष या फिर विपक्ष में बोलती है। इसीलिए किसी भी दल का जनता के दिल पर तभी तक शासन रह सकता है जब तक वो जनता की उम्मीदों पर खरी उतर रही है। आज भारत में दो राजनीतिक दल छाए हुए हैं, एक भाजपा और दूसरी कांग्रेस। ये कहने की जरूरत नहीं कि वर्तमान में भाजपा या फिर कहें मोदी सरकार से बढ़कर से ताकतवर और कोई नहीं है। तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी मोदी अपनी लोकप्रियता को संभालते हुए नजर आ रहे हैं, पर आजकल मोदी की लोकप्रियता में सेंध लग गई है। जिस मोदी को कोई चुनौती देने वाला नहीं था, उन्हें चुनौतियां मिलना शुरू हो गई हैं। मोदी की परेशानी यह है कि उन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को भुनाना है, वहीं विपक्ष को मोदी में कमियां निकालनी है। बस यही मोदी सरकार फंस गई है, क्योंकि किसी काम को करने से ज्यादा आसान है किए गए काम में खामियां निकालना। मोदी की इस उलझन को बढ़ाया है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने। राहुल गांधी हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे वो भाजपा या फिर कहें मोदी पर निशाना साधे। राहुल गांधी ने मोदी को कुछ इस तरह से घेरा कि जनता में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और मोदी की घटती जा रही है। पहले के सर्वे में लोकप्रियता में मोदी के आसपास कोई नहीं रहता था, पर अब राहुल गांधी ने काफी मजबूती से जनता में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है। अब जनता ने राहुल गांधी को सुनना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी अब पहले से ज्यादा कुशल राजनीतिज्ञ बनते जा रहे हैं। जनता उन पर विश्वास करने लग गई है। उनके भाषण जनता पर प्रभाव डालने में कामयाब हो रहे हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार की छोटी से छोटी गलती को इतनी मजबूती से जनता के सामने रख रही है कि जनता ने भी ये मानना शुरू कर दिया है कि मोदी सरकार में ही खामियां हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मोदी सरकार की हर दुखती नब्ज को दबाना शुरू कर दिए हैं। अगर बात करें राफेल डील विवाद की, तो इसका सारा लाभ राहुल गांधी को मिलता नजर आ रहा है। वहीं इस डील पर मोदी की चुप्पी से जनता के मन में उनके प्रति संदेह पैदा होता जा रहा है, जो कि उनके लिए उनके चुनाव के लिए 2019 के चुनाव के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दलितों पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से मोदी की छवि अपने सवर्ण वोट बैंक के बीच भी गिरती जा रही है। जाहिर सी बात है, अगर सवर्ण को भाजपा के अलावा किसी दल को चुनना होगा तो वो कांग्रेस को चुनेगी। राहुल गांधी भी सवर्णों के दिल में जगह बनाने के लिए मोदी के नुस्खे को अपना रहे हैं। हिंदुओं और सवर्णों का मोदी या भाजपा के प्रति ज्यादा झुकाव हिंदुत्व की वजह से है। अब राहुल गांधी भी सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाते नजर आ रहे हैं। इसका लाभ उन्हें मिलना शुरू भी हो गया है। दरअसल राहुल गांधी मोदी की हर उस ताकत पर हमला कर रहे हैं जिससे मोदी जनता के बीच ज्यादा लोकप्रिय है, जिससे कि वो मोदी की छवि जनता के बीच खत्म कर सके। राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ जो आक्रामक रवैया इख्तियार है, इससे मोदी जनता के कटघरे में खड़े होते जा रहे हैं। लोकप्रियता के आंकड़े देखे जाएं तो जनवरी 2018 से जुलाई 2018 के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता 53% से घटकर 49% हो गई है, जबकि राहुल गांधी की लोकप्रियता 22% से बढ़कर 27% हो गई है। यही नहीं, दक्षिण भारत में भी मोदी की लोकप्रियता 39% से घटकर 31% हो गई है, जबकि राहुल गांधी की लोकप्रियता 34 से बढ़कर 46% हो गई है। जनवरी से जुलाई के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता उत्तर भारत में 60 से घटकर 56 और पूर्वी भारत में 53 से घटकर 51, पश्चिम भारत में 61 से घटकर 55% हो गई है, जबकि इन तमाम इलाकों में राहुल की लोकप्रियता बढ़ी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मोदी की लोकप्रियता देश में घटती जा रही है, जबकि राहुल गांधी की बढ़ती जा रही है। इस तरह 2019 में मोदी की राह दिन पर दिन और भी कठिन होती जा रही है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टूडेज फॉर मोर वीडियोज़।